हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट एंड पावरफुल ऑलराउंडर स्मार्टफोन अंडर 18,000। अगर आपका भी बजट 17 से 18,000 है एंड इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आप अपने लिए एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, देन आप सही वीडियो पे आए हो। ये पाँचों स्मार्टफोन इस टाइम के बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। इन पाँचों स्मार्टफोन में आपको सभी फीचर्स एकदम तगड़े तगड़े देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पावरफुल प्रोसेसर, फ्लैगशिप ग्रेड कैमरा, अच्छा डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, मतलब कि सब कुछ आपको एकदम बेस्ट लेवल का मिल जाएगा। एंड काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड रिव्यूज देखने के बाद मैंने इन पांचों स्मार्टफोन को चुना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, और आप भी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जो डाउट है क्लियर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में 5th नंबर में रैंक करता है वो इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 30 5G। अगर आपको एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप 2 SIM प्लस 1 memory कार्ड लगा सकते हो। फोन को अनलॉक करने के लिए साइड और लॉक है, और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस, इसमें आपको 1 major एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेगा एंड 2 years तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा। 5000 mAh का बड़ा बैटरी दें इसको चार्ज करने के लिए, 45W का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.78 inch का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 518 inch का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड NEG ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इसके बैक में 108 MP प्लस 2 MP प्लस AI लेंस का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। एंड इसके फ्रंट में लगा 16 MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक वाले कैमरे से आप 2K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080 वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा इसका डिसेंट टाइप का मिलता है, मतलब कि ना ही ज़्यादा हाई लेवल का है ना ही ज़्यादा लो लेवल का है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 का 5G चिपसेट, और जो उसका अंतुतु स्कोर 4 lakh के करीब में है। परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा रहेगा। सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्मार्टफोन टोटल 14 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर हो सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 4128 का जो प्राइस है 14,999 रुपये, यानी कि 15,000 रुपये, एंड 8256 का जो प्राइस है 15,999 रुपये, यानी कि 16,000 रुपये। 1000 से 1500 का बैंक डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। देन इफेक्टिवली इसके 8256 वाला जो वेरियंट है वो आपको 15,000 के अंदर देखने को मिलेगा, एंड इस प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है ये। तो अगर आपको एक बेस्ट कंप्लीट पैकेज ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो जो हमारी लिस्ट में 4th नंबर में रैंक करता है वो वन प्लस की तरफ से वन प्लस नोट C2 लाइट 5G। अगर आपको 20,000 के अंदर वन प्लस बैंडिंग वाला एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिलता है, मतलब इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो या फिर 1 SIM प्लस 1 memory कार्ड लगा सकते हो। 3.5mm का हेडफोन जैक है, फोन कॉल करने के लिए साइड और लॉक है, और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। गाइस, इसमें आपको 2 major एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 years तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5000 mAh का बड़ा बैटरी दें इसको तेजी से चार्ज करने के लिए, 33W का इनबॉक्स चार्जर भी है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 64MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 16MP का सेल्फी कैमरा। कैसे इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 1080p30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा है, अच्छे क्वालिटीज के फोटो निकाल के दे देता है। इसमें लगा स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट, और जो इसका अंतुतु स्कोर 4 lakh के करीब में है। परफॉर्मेंस सेक्टर इस स्मार्टफोन का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे लेवल की गेमिंग कर सकते हो। ये जो स्मार्टफोन टोटल 5 5G बैंड को सपोर्ट करता है। 6.59 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। डिस्प्ले आपको डिसेंट टाइप का मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 6128 का जो प्राइस है 17,999 रुपये, यानी कि 18,000 रुपये, एंड 8128 का जो प्राइस है वो 18,999 रुपये, यानी कि 19,000 रुपये। 1000 से 1500 का आपको बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। देन इफेक्टिवली इसके 6128 वाला जो वेरियंट है आपको 18 से 19 हज़ार में देखने को मिलता है। एंड इस प्राइस सेगमेंट में अगर आपको एक बेस्ट वन प्लस बैंडिंग वाला स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन को ले लेना।
तो जो हमारे लिस्ट में थर्ड नंबर में रैंक करता है रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 60 5G, ये स्मार्टफोन इस लिस्ट का सबसे नया स्मार्टफोन है। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिलता है, सिंगल मास्टर स्पीकर है, ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक एंड्रॉइड 13 के साथ आता है, एंड फोन को अनलॉक करने के लिए इन डिस्प्ले लॉक है। इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5000 mAh का बड़ा बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए 33 वाट का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.43 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है 98 के रिफ्रेश रेट के साथ, और 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी है। 1000 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, जिससे कि ब्राइटनेस को लेकर आपको कोई भी इशू नहीं होगा आउटडोर में। प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको डिसेंट टाइप का मिलता है, AMOLED डिस्प्ले है तो कलर्स काफ़ी अच्छे आएंगे एंड गेमिंग कंटेंट वाचिंग में काफ़ी सही रहेगा। यहाँ पर आपको इसको एक 64 MP प्लस 2 MP का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा है 16 MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 1080p रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अबव एवरेज है। इसमें लगा मीडियाटेक डोमेस्टिक 6020 का 5G चिपसेट, और जो उसका अंतु स्कोर 4,20,000 के घर में है। नॉर्मल यूज़ में कोई भी इशू नहीं होगा एंड इससे आप मीडियम सेटिंग पे अच्छे से गेम प्ले कर सकते हो। और अगर आप गेमिंग सेंटर के स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तब आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8128 का जो प्राइस 17,999 रुपये, यानी कि 18,000 रुपये, 1000 से 1500 का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देन इफेक्टिवली इसके 8128 वाला जो वेरियंट है वो आपको 16,500 से 17,000 में देखने को मिलेगा। एंड इस प्राइस सेगमेंट में अगर आपको एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए रियलमी की तरफ से, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो जो हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर में रैंक करता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। तो अगर आपको एक नॉन चाइनीज कैमरा एंड डिस्प्ले वाला अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वैसे तो ये स्मार्टफोन 19,000 के करीब में आता है, बट बैंक एंड कार्ड ऑफर लगाने के बाद ये स्मार्टफोन आपको 17,000 में देखने को मिलेगा। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो सिंगल मोनोस्ट स्पीकर देखने को मिलता है, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो या फिर 1 SIM प्लस 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फोन को अनलॉक करने के लिए साइड और लॉक है, और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 4 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 5 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 6000 mAh का बड़ा बैटरी दिया है, इसको चार्ज करने के लिए 25 वाट का चार्जर ये सपोर्ट करता है, बट आपको अडेप्टर इन द बॉक्स नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको 300 से 400 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 1000 nits का पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है। प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है, सैमसंग का डिस्प्ले है तो कलर्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50 MP जिसमें कलर OIS का सेंसर प्लस 8 MP प्लस 2 MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा है 13 MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080 वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है। इसमें लगा है सैमसंग एक्सिनोस 1280 का 5G चिपसेट, और जो उसका अंतु स्कोर 4,60,000 के करीब में है। इससे आप लो टू मीडियम सेटिंग पे अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे एंड नॉर्मल यूज़ में आपको कोई भी इशू नहीं होगा। सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्मार्टफोन टोटल 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 6128 का जो प्राइस है वो 18,999 रुपये, यानी कि 19,000 रुपये, 2000 का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा। देन इफेक्टिवली इसके 6128 वाला जो वेरियंट है वो आपको 17,000 में देखने को मिलेगा। एंड 17,000 के अंदर अगर आपको एक बेस्ट नॉन चाइनीज डिस्प्ले एंड कैमरे वाला एंड बैटरी वाला एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो जो हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर में रैंक करता हूँ वीवो की तरफ से वीवो T2 5G। अगर आपको एक बेस्ट डिजाइन डिस्प्ले एंड कैमरे परफॉर्मेंस वाला एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। गाइस, ये स्मार्टफोन लगभग 17,000 के रेंज में मिल जाएगा एंड इस प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है ये। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो सिंगल मास्टर स्पीकर देखने को मिलता है, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो या फिर 1 SIM प्लस 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। अच्छी बात यह है कि फोन को अनलॉक करने के लिए इंडस्ट्री लॉक है, और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस, इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 4500 mAh का बड़ा बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए 44 वाट का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.38 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है 98K रिफ्रेश रेट के साथ, एंड 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है।
1300 nits का पीक ब्राइटनेस है, जिससे कि ब्राइटनेस को लेकर आपको आउटडोर में कोई विषय नहीं होगा। ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा ये स्मार्टफोन। यहाँ पर आपको इसके बैक में 64 मेगापिक्सल जिसमें लगा OIS का सेंसर प्लस 2 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। एंड इसके फ्रंट में लगा है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 1080 की वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080 वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इसमें लगा है स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट और जो इसका अंतुतु स्कोर है 4,20,000 के करीब में है। डे टू डे लाइफ में अच्छा परफॉर्म करेगा एंड इससे आप मीडियम टू हाई सेटिंग पे अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे। ये जो स्मार्टफोन टोटल 6 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 6128 का जो प्राइस है 18,999 रुपये यानी कि 19,000 रुपये, 1,000 से 2,000 का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा। देन इफेक्टिवली इसके 6128 वाला जो वेरियंट है वो आपको 17,000 से 18,000 के अंदर देखने को मिलेगा। एंड अगर आपको एक बेस्ट डिस्प्ले एंड कैमरे वाला एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो ये थे इस टाइम के टॉप 5 बेस्ट एंड पावरफुल ऑलराउंडर स्मार्टफोन अंडर 18,000। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप भेजिए कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका जो डाउट है क्लियर कर दूंगा। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।